अब कंप्यूटर सीखना और भी आसान हो गया है। कंप्यूटर सीखने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की ऐसी कई योजनाएं चल रही है जिसका लाभ आप ले सकते हैं। सरकार की योजना की मदद से आप मुफ्त में कंप्यूटर का भी कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक भी रुपए नहीं लगेगा। दरअसल बिहार सरकार के साथ निश्चय योजना के तहत कुशल युवा कार्यक्रम अंतर्गत आप कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं, जो पूरी तरह से निशुल्क है। 3 महीने के इस कोर्स में आपको इस काबिल जरूर बना दिया जाएगा कि आप किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार हो सकते हैं। दरअसल कहरा प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित कौशल युवा केंद्र में प्रोजेक्टर के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन्हें कंप्यूटर का गुण सिखाया जाता है। ये बताइए, आपने ये क्लास ज्वाइन किया है, किस चीज की पढ़ाई आपने की है, कब आपने ये क्लास ज्वाइन किया? सर, हमारा क्लास कल से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर हम KYP कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। इसका मकसद यही है कि जैसे जितने भी मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको इस बेसिस के आधार पर जैसे स्किल्स डेवलपमेंट कराना, इसका मेन मकसद है। यहाँ पे हमें कंप्यूटर के बारे में, टेक्नोलॉजी जितने हैं इसके बारे में जानकारी दी जाती है। हमारी लैंग्वेज स्किल्स को सही किया जाता है, उसके बारे में हमें सिखाया जाता है कि हमें कैसे कहीं पे जाके जैसे इंटरव्यू वगैरह देते हैं। मेन पर्पज़ इसका है कि हर बच्चे को मतलब रोज़गार के पर्पज़ से इसको, जो कंप्यूटर आजकल के क्षेत्र में हर जगह कंप्यूटर का ही मतलब वैल्यू ज़्यादा हो गया है, तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो यही सरकार का है कि जितने भी छात्र छात्राएं जो इच्छुक है, जिन्हें कंप्यूटर जानना है, कर सकते हैं। यहाँ पर निःशुल्क मतलब हमें 3 महीने के कोर्स में इसका पढ़ाया जाता है। बिजनेस का स्किल्स भी डेवलप कराया जाता है, लैंग्वेज स्किल्स भी डेवलप कराया जाता है, टेक्नोलॉजी के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे थ्योरी वगैरह सकते हैं? जी सर, यहाँ पे थ्योरी लैब दोनों कराया जाता है। 4 घंटे का हम लोग का क्लास होता है जिसमें लैब और थ्योरी दोनों। कैसे शिक्षक कैसे हैं आपको? अभी हम लोग 2 दिन से क्लास कर रहे हैं, तो हमें मतलब अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, समझ में भी आ रहा है, थ्योरी भी हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। आगे हम लैब अभी स्टार्ट करेंगे तो सर पढ़ा रहे हैं तो हम लोग समझ रहे हैं, जो भी वो पढ़ा रहे हैं अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम है? निकिता कुमारी। यहाँ पे बच्चे के साथ कंप्यूटर प्रशिक्षण का कोर्स किया जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर प्रशिक्षण के साथ साथ संवाद कौशल, व्यवहार कौशल तीनों का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड और संवाद कौशल और सॉफ्ट स्किल तीनों का कोर्स यहाँ पे किया। प्रोजेक्टर के थ्रू देखना पड़ता है? हाँ, ये प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ पे थ्योरी क्लास करवाई जाती है। फोकस क्या रहता है बच्चों को, किस तरह की शिक्षा प्राप्त? बच्चा तो यही शिक्षा रहता है कि वो कंप्यूटर अच्छा तरह से सीख पाए, संवाद कौशल उनका अच्छा हो जाए, व्यवहार कौशल उनका अच्छा हो जाए और आने वाले समय में रोजगार प्राप्त करने में उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके और अपना स्किल को डेवलप कर सके। इंटरव्यू के साथ साथ उनको अपना नॉलेज के लिए भी हम लोग तैयार करते हैं ताकि आगे आने वाले समय में कंप्यूटर में कोई भी ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं हो, संवाद कौशल में प्रॉब्लम नहीं हो और व्यवहार कौशल में प्रॉब्लम नहीं हो। तीनों का 3 महीना में अच्छा से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और कोई छात्र नामांकन लेना चाहते हैं कैसे ले पाएंगे, क्या क्या कागजात की जरूरत? छात्र को नामांकन लेने के लिए सबसे पहले उनको 10th पास होना जरूरी है। उनसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उनका DRCC ऑफिस में वेरिफिकेशन होता है, फिर उसका यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाता है। 10वीं पास होनी चाहिए। कितने बैच चलते हैं यहाँ पे? अभी मेरे यहाँ 4 बैच चलते हैं। एक बैच में हम मिनिमम 20 मैक्सिमम 20 बच्चा को ले सकते हैं। 20 बच्चा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुराग कुमार। क्या है? सेंटर कोऑर्डिनेटर। इस केंद्र में आप बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स का कोर्स कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस सेंटर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज स्किल, सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं 3 महीने के कंप्यूटर कोर्स में तमाम तरह की जानकारी दी जाती है। इसके लिए मैट्रिक पास होना जरूरी है।